तो गाइस अगर तुम लोग गेमर हो तो तुम लोगों ने ये चार प्रोडक्ट का यूज तो जरूर किया होगा। और तुम लोग सोचते हो कि आखिरकार प्रो प्लेयर इन चार प्रोडक्ट में से ऐसा क्या यूज करते हैं कि उनका हेड बहुत ही तगड़ा लगता है। तो आज मैं यही देखने वाला हूँ कि प्रो प्लेयर या फिर ई स्पोर्ट प्लेयर ऐसा इन चारों में से क्या यूज करते हैं कि उनका गेम प्ले इतना जहर लेवल पे है। तो मैं क्या करूंगा कि इन चारों प्रोडक्ट को यूज करूंगा और बताऊंगा कि किस प्रोडक्ट पे हमें सबसे ज्यादा रेड नंबर देखने को मिलते हैं। तो फर्स्टली अगर बात की जाए फिंगर स्लिप की, तो जब मैं फिंगर स्लिप पहन के खेल रहा था तो लिटरली यार इसपे मूवमेंट स्पीड मेरे को काफी ज्यादा क्रेजी देखने को मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने स्क्रीन के ऊपर कोई मक्खन रख के खेल रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे मैं एक बंदे को मारा, लिटरली भाई साहब इस पे भाई पहला गोली ही हेड लगा। भाई मेरे को विश्वास नहीं हो गया फिंगर स्लिप सही में काम करता है क्या। तो सेकंड राउंड में यहाँ पे आया मैं मिनी यूजीआई लेके और मैं देखता हूँ कि क्या सेकंड राउंड में फिंगर स्लिप काम कर पाता है। तो यहाँ पे एक बंदा आ रहा था और लिटरली भाई साहब इसको भी मैंने हेड से नॉक कर दिया। और इसको फिनिश करने के बाद सामने एक और बंदा था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता हूँ और होल्ड करने के बाद मैं इस पे रश करता हूँ और लिटरली इसको भी हेड मारा भाई। मतलब भाई फिंगर स्लिप तो भाई मेरे को बहुत ही तगड़ा लगा, क्योंकि फिंगर स्लिप से खेलने के बाद मेरे को मूवमेंट मिल रहा था और रेड नंबर भाई देखने को मेरे को मिल ही रहा था। तो मतलब इतना तो श्योर था कि फिंगर स्लिप को खेलने के बाद हमें मूवमेंट स्पीड और रेड नंबर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं तीन बंदों को मार देता हूँ और वो भी फिंगर स्लिप पहन के। लिटरली यार मतलब मेरे को विश्वास नहीं होता है। अगर बात किया जाए लॉन्ग रेंज पे तो फिंगर स्लिप उतना काम नहीं कर रहा था। मतलब भाई मैं हेड मारने की ट्राई कर रहा था तो मेरे को पता नहीं चल रहा था कि लॉन्ग रेंज से फिंगर स्लिप से मेरे को हेड लग ही नहीं रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे को थोड़ा सा ड्रैग करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक बंदे को फिनिश कर देता हूँ और दो बंदे यहाँ पे बच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो बंदे बच जाते हैं तो मैं इनको जल्दी से रश करने जाता हूँ। और रश करने का तुम लोग यहाँ पे देखो कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बंदा खड़ा रहता है भाई साहब, मैं उसको रेड नंबर से नॉक कर देता हूँ। और रेड नंबर नॉक करने के बाद मैं लॉन्ग रेंज पे थोड़ा सा लॉन्ग रेंज पे कवर देता हूँ, लेकिन भाई साहब इसको भी रेड नंबर ही लगता है। और ये बंदा उसको रिवाइव करने जाता है और मैं जैसे ही जाता हूँ यहाँ पे दोनों बंदे का काम तमाम कर देता हूँ। तो ओवरऑल अगर फिंगर स्लिप की पॉइंट पे बात किया जाए तो हम लोग इसको 10 out of 8 दे देंगे यार। तो गाइस अगर तुम लोग गेमर हो और तुम लोगों ने पाउडर का यूज नहीं किया, भाई मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि गेमर होने के बाद तुम लोग पाउडर का यूज नहीं कर सकते हो। तो आज मैं देखने वाला हूँ कि पाउडर पे क्या अपन मूवमेंट स्पीड या फिर रेड नंबर खतरनाक तरीके से मार सकते हैं। तो जब मैं पाउडर को यूज करके गेम में गया तो लिटरली यार मेरे को तो पहले मैं शौक लगा कि भाई पाउडर को यूज करने के बाद मेरा मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा था। अगर इससे हम लोग कंपेयर किया जाए फिंगर स्लिप से तो फिंगर स्लिप पे हमें मूवमेंट स्पीड भाई बहुत ही कम देखने को मिला था, लेकिन पाउडर को यूज करने के बाद भाई इतना इसका मूवमेंट देखने को मिला था कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। तो मैं यहाँ पे एक बंदे को मार रहा था, लेकिन भाई साहब मैं जैसे इसको मारने गया इसका किल चोरी हो गया। कोई बात नहीं, सामने एक बंदा रिएक्ट करने आ रहा था और भाई साहब पहला गोली ही इसको हेड लगा। और इसको खत्म करने के बाद सामने एक बंदा देखो मेडिकेट हील कर रहा था और मैं जैसे ही इसको मारने गया और लिटरली यार ये भी काम तमाम। देखो बॉर्डर को यूज करने के बाद हमें मूवमेंट स्पीड कैसे हमें देखने को पता चलता है, तो मैं इस राउंड में तुम्हें देखने को बताता हूँ कि अपन कैसे इसको पता किए। तो यहाँ पे मैं एक बंदे को मारा, फिर मैं यहाँ पे ग्लू लगा, भाई ग्लू वॉल एक चुटकी में लग गया ग्लू वॉल। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मूवमेंट दिखाया, यहाँ पे मेरे को एक बंदा मार रहा था तो मैंने यहाँ पे ग्लू लगा कि इसको रश करने की कोशिश किया, लेकिन वो बंदा निकल गया। तो मैं यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे मैं उस बंदे को वेट कर रहा था और मैं उस बंदे को काफी ज्यादा डैमेज दिया था, लेकिन मेरा टीममेट उसका किल चोरी कर लेता है। कोई बात नहीं, और फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ भाई मूवमेंट दिखाते दिखाते, और देखो यार यहाँ पे क्या होता है कि वो बंदा ऊपर जा रहा था और लिटरली यार मैं उसके ऊपर था। अब मेरे को यहाँ पे भाई साहब इतना ज्यादा मूवमेंट देखने को मिला कि भाई इस पर ड्रैग ही नहीं हो रहा था। मतलब भाई अगर तुम लोग पाउडर का यूज कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी सेंसिटिविटी डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो हम लोग पाउडर कर देंगे 10 out of 10, जलवा है हमारा। तो दोस्तों तुम लोगों ने वैसलिन का यूज तो बहुत ही जगह किया होगा। अब मैं कहां बोल रहा हूँ, मतलब आज मैं गेम में करके देखता हूँ क्या वैसलिन से अपन लोगों का रेड नंबर लगता है या फिर नहीं। तो दोस्तों जब मैं वैसलिन से मूवमेंट स्पीड टेस्ट कर रहा था तो तुम लोग विश्वास नहीं मानोगे, इससे मूवमेंट स्पीड एक्यूरेट हो रहा था। देखो फिंगर स्लिप से तो हमें मूवमेंट थोड़े से कम देखने को मिल रहे थे और पाउडर ज्यादा, लेकिन भाई साहब वैसलिन से माफ कसम बोलू मूवमेंट हमें बहुत ज्यादा खतरनाक देखने को मिल रहा था। तो देखो यहाँ पे मैं एक बंदे को नॉक कर दिया, लेकिन इस बंदे को मैं 2 गोली मारता हूँ और यहाँ पे देखो क्या होता है, 3 गोली मारता हूँ लेकिन ये बंदा नहीं मरता है, चलिए 4 गोली मारता हूँ ये बंदा मरता ही नहीं है। भाई यहाँ पे मैं मर जाता हूँ, खराब हो जाएगा, मैं अम्मा भाई पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं क्या वैसलिन से हम लोग डबल स्नाइपर को कतई जहर लेवल पे चला पाएंगे। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो भाई साहब वैसलिन से तो हमें डबल स्नाइपर भाई चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। तो सामने एक बंदा था तो मैंने इसको 150 मारा और यहाँ पे वो ग्लूअर लगा लेता है, और भाई सामने एक और बंदा था तो मैं यहाँ पे भाई फायर करता रहता हूँ, क्या मालूम अगर वो बंदा निकल जाए तो हमें उसे 100 देखने को मिलते। और यहाँ पे जैसे 2 बंदे आते हैं, ठीक है, तो मैं एक बंदे को क्या करता हूँ यहाँ पे डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई सब वो डैमेज नहीं होता है। और राइट रुको, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता हूँ और होल्ड करने के बाद मैं भाई इसको मारता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे एक शॉट उसको लगता है लेकिन दूसरा शॉट लगता ही नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि यार वैसलिन इतना अच्छा चल ही रहा है तो भाई इसको मैं इजी पीजी मार दूंगा, लेकिन भाई यार वो बंदा बहुत ही अच्छा खेलता है और मैं यहाँ पे मर जाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं देखता हूँ वैसलिन का शॉर्ट रेंज में यूज करके। तो मैंने यहाँ पे UMP ले चुका है और सामने एक बंदा,
और इलेक्ट्रॉनिक भाई साहब इसमें क्यों है, इसको रेड नंबर लगा। ओके तो मैंने यूएमपी का यहाँ पर टेस्ट कर लिया है, अब बात ये एमपी फोड़े गए तो यहाँ पे ऊपर है बंदा, ठीक है, और वो मेरे को नहीं देखा कि मैं यहाँ पे नीचे हूँ, ठीक है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट स्पीड थोड़ा करता रहता हूँ, ठीक है, लूप करता तो क्या मतलब वो बंदा निकल जाए, बट वो बंदा निकलता नहीं है, ठीक है, तो मैं ग्लूगल लगाता हूँ और ग्लूगल लगा के मैं जैसे आगे जाता हूँ एक और बंदा आ जाता है और मैं उसको भाई साहब इसको मैं नॉक करता हूँ और ग्लूगल रेट लगाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मेरे को लगता है कि मैं इजी पीजी उस बंदे को खत्म कर दूंगा, फिर मैं इस बंदे को मारूंगा, और मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही गोली का था, और यार अनफॉर्चुनेटली उसके पास भाई साहब डबल बैरल था और वो मेरे को मार देता है। तो यहाँ पे अपन लोग वैसलिन को देंगे 10 out of 9 क्योंकि वैसलिन बहुत ज्यादा स्मूथ था। तो दोस्तों अब बारी आती है तेल की, तो तुम लोगों ने तेल को बहुत सारे कामों में यूज किया होगा, लेकिन आज मैं देखने वाला हूँ इसको गेमिंग करके तो क्या ये हेडशॉट या फिर मूवमेंट स्पीड हमारा इंक्रीज करता है या फिर नहीं। तो दोस्तों जैसे मैं पहले राउंड में गया तेल को यूज करके, तो भाई यहाँ पे मेरे को हेडशॉट रेट तो देखने को थोड़ा सा मिला, तो मैं जैसे जाता हूँ उसको खत्म करने, ये बंदा साला ओरियन बन जाता है। अब मैं यहाँ पे भाई ट्रैक करने की पूरी कोशिश करता हूँ और भाई साहब इस बंदे को मैं मार देता हूँ, लेकिन जब तेल का यूज मैं मूवमेंट स्पीड इंक्रीज करने में करता हूँ तो भाई साहब भाई पता ही नहीं चलता कब बंदा मेरे को कहाँ से आके मार के चला गया। लिटरली भाई साहब मैं आगे आ रहा था तो मैं कैसे मर जा रहा था भाई, ये बहुत ही वाहियात था भाई, शॉर्ट रेंज में तो भाई मैं टिक ही नहीं पा रहा था। तो मैं क्या काम किया कि मैं लॉन्ग रेंज का ले लिया और मैं देखता हूँ क्या लॉन्ग रेंज में अपना ऑयल भाई सब काम करता है या फिर नहीं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है इसका और देखते हैं सिर्फ अपन लोग लॉन्ग रेंज में खेलने की ट्राई करेंगे। और यहाँ पे एक बंदा मेरे पे रश करना था लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बच जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई मेरे को शॉर्ट रेंज बिल्कुल ही जाना नहीं है भाई, शॉर्ट रेंज मेरे को बिल्कुल ही रिस्क लेने का नहीं। तो अब क्या लगता है दोस्तों, क्या अपना ऑयल लॉन्ग रेंज में काम कर पाएगा या फिर? देखो यहाँ पे लड़की आती है और उन्होंने भाई साहब इस लड़की को अपन लोगों ने क्या ही हिट मारा यार। देखो इसको अपन लोगों ने मार के स्वदेशी खत्म किया, लेकिन तुम लोग अगर नोटिस करोगे तो तेल का हमें बहुत सारे पार्टिकल अपने स्क्रीन पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बंदा रहा था इसको अपन लोगों ने रेड नंबर मारा, ठीक है, और यहाँ पे एक और बंदा सामने रहा था तो भाई साहब इसको पूरा रेड नंबर मारा। लिटरली भाई साहब यहाँ पे इनको पता नहीं चला था कि तेल जो है मतलब ऑयल जो है वो शॉर्ट रेंज में बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था, लेकिन लॉन्ग रेंज में क्या ही जहर काम कर रहा था। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और हाँ गाइस इस वीडियो को शेयर भी कर देना क्योंकि मेरा चैनल बहुत ज्यादा डाउन जा रहा था, तो प्लीज अपने दोस्तों में एक या दो शेयर तो कर दो यार।